हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग लॉ क्लासेस। और आज हम पढ़ेंगे ड्यूटीज़ ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर। तो फाइनेंशियल मैनेजर की क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं वो पढ़ लेते हैं। पहली ड्यूटी होती है फाइनेंशियल प्लानिंग। तो फाइनेंशियल मैनेजर को जो है सबसे पहले डेवलप करना पड़ता है फाइनेंशियल स्ट्रेटजी को, डेवलप करना पड़ता है फाइनेंशियल स्ट्रेटजी को, और प्लान करना पड़ते हैं जो भी प्लान करने पड़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को, जो कि अलाइन कर सकें मैनेजमेंट के गोल के साथ। सेकंड आता है इसमें फोरकास्टिंग। उसमें फाइनेंशियल मैनेजर को फोरकास्ट करना पड़ता है फ्यूचर की परफॉर्मेंस के बारे में, और ट्रेंड्स के बारे में। नेक्स्ट आता है इसमें कि फाइनेंशियल मैनेजर को असेस करना पड़ता है फाइनेंशियल रिस्क। सेकंड पॉइंट आता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस। तो फाइनेंशियल मैनेजर को प्रिपेयर करने पड़ते हैं फाइनेंशियल रिपोर्ट, जैसे कि बैलेंस शीट हो गया, इनकम स्टेटमेंट हो गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, और इंश्योर करना पड़ता है इनकी एक्यूरेसी को। इसमें सेकंड पॉइंट आता है कि एनालाइज करना पड़ता है फाइनेंशियल मैनेजर को फाइनेंशियल डेटा, और प्रोवाइड करने पड़ते हैं इनसाइट जो कि गाइड करता है डिसीजन मेकिंग को। थर्ड पॉइंट आता है इसमें बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। तो बजटिंग एंड फोरकास्टिंग में आता है कि फाइनेंशियल मैनेजर को क्रिएट करना पड़ता है और मैनेज करना पड़ते हैं बजट, और मॉनिटर और एनालाइज करना पड़ता है बजट के वेरिएंस को, और फोरकास्ट करना पड़ता है फ्यूचर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। फोर्थ पॉइंट आता है फाइनेंशियल मैनेजर की ड्यूटी का कि उसे कैपिटल मैनेजमेंट करना पड़ता है, और इसमें आता है कि फाइनेंशियल मैनेजर को मैनेज करना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन का कैपिटल स्ट्रक्चर, और डिसीजन और मेकिंग डिसीजंस अबाउट कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बारे में डिसीजन लेने पड़ते हैं, और फाइनेंसिंग ऑप्शन के बारे में भी डिसीजन लेने पड़ते हैं फाइनेंशियल मैनेजर को, और ऑप्टिमाइज करना पड़ता है एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज को। फिफ्थ पॉइंट आता है कि रिस्क मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजर को जो है रिस्क मैनेजमेंट करना आना चाहिए, उसे आइडेंटिफाई करना आना चाहिए और असेस करना आना चाहिए फाइनेंशियल रिस्क को, और बाद में फाइनेंशियल रिस्क को आइडेंटिफाई और असेस करने के बाद उसे इम्प्लीमेंट करनी चाहिए स्ट्रेटजीज, जो जिससे कि वो रिस्क जो है मिटिगेट हो सके, और इंश्योर करना चाहिए फाइनेंशियल मैनेजर को के जो फाइनेंशियल रेगुलेशन और स्टैंडर्ड्स हैं उनके द्वारा काम किया जा रहा है कंपनी में या नहीं। सिक्स्थ पॉइंट आता है इसमें फाइनेंशियल ऑपरेशंस। तो फाइनेंशियल ऑपरेशन जो है फाइनेंशियल मैनेजर को ये देखना पड़ता है कि जो कैश फ्लो है उन्हें मैनेज करना पड़ता है, मॉनिटर करना पड़ता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, और नेगोशिएटिंग विद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ नेगोशिएट भी करना पड़ता है, और स्टेक होल्डर्स के साथ भी नेगोशिएट करना पड़ता है फाइनेंशियल मैनेजर को। सेवन्थ पॉइंट आता है इसमें टीम लीडरशिप। तो फाइनेंशियल मैनेजर जो है वो एक टीम लीडर होना चाहिए, जो कि लीड करे और डेवलप करे एक टीम को, जो कि फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स हों जिसमें कि, और इंश्योर करे कि टीम जो है इफेक्टिवली ऑपरेट कर रही है। अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।